कॉमेडी भी कोई आसान काम नहीं है, यानी जो जो गेरा मैम ने किया, फन फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है और क्लीन फिल्म है, यू नो। और आज के टाइम में जैसे अब हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, ये फिल्म अगर देखने जाएंगे आपका बिल्कुल स्ट्रेस बिल्कुल ऐसे रिलीज हो जाएगा, गुदगुदाएगी आपको ये फिल्म। रही बात हड्डी की, हड्डी में मैंने दूसरी तरह से तैयारी की कि क्योंकि मैं उसमें ट्रांसजेंडर का रोल कर रहा हूँ, लेकिन मैं माइंड में मैंने ट्रांसजेंडर को नहीं रखा था, मैंने माइंड में रखा कि एक फीमेल का कैरेक्टर अगर मैं करूँगा, फीमेल को मैंने सोचा था कि मैं फीमेल का कैरेक्टर कर रहा हूँ, यू नो। क्यों? क्योंकि हर ट्रांसजेंडर की एक ख्वाहिश होती है, वो अपने आप को कंप्लीट तब समझते हैं जब वो फीमेल हो जाते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है हमेशा कि मैं हम फीमेल बन जाए। तो मेरे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी कि मैं दिमाग में रख के वही कैरेक्टराइजेशन उसका। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक दैट सोशल मीडिया इज अ टू-स्लेज स्वॉर्ड, कि आप बोलो तो भी प्रॉब्लम होती है, नहीं बोलो तो भी प्रॉब्लम होती है, एंड जिस हिसाब से ट्रोल्स होते हैं। Indeed, I feel everybody has an opinion. Opinions are free. सब अपने opinion देते रहते हैं. So I feel social media is a great platform for spreading love, for talking about things that needs addressing, like if you're talking about depression, helping people out, all that is great. But you know, spreading that kind of negativity and hate, I don't understand why. So I feel like, of course, it has the goods and it has the bad. The bad of it is कि आप सबके पास एक phone है आज. फ्री ओपिनियन है, बस जाके टाइप करना है, बट पुट दैट टाइम इन समथिंग मोर यूजफुल, राइट? सो आई वुड टेल द पीपल जो बैठ के सिर्फ यही करते हैं कि कुछ लाइफ के साथ कुछ प्रोडक्टिव कर लो इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग हेट। मेरा खुद का मानना ये है कि अगर कोई भी बीमारी ऐसी है जो खुद के सोचने से हो रही है, तो वो उसमें आपका फर्ज बनता है कि आप ऐसा मत सोचो, वो आपका खुद से क्रिएट की हुई बीमारी है, यू नो। आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट होना काम में या सैडनेस होना, ये इससे खुद को फाइट करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा कि इसके भरम में बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी, बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे कमाने धंधा बनाने, यू नो, उसका एक डर रहता है। मेरे सामने जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं अपने गांव में था, वहाँ किसी को अगर कोई वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, अगर होती तो थप्पड़ मार के बोलते थे चल गन्ने के छोल में जा गन्ने काट के ला, है ना। और इस चीज़ से भी हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए कि अपने इमोशंस को ना ग्लोरीफाइड करने से थोड़ा बचना चाहिए, और ये तभी बचा जा सकता है जब आप अपने से जो फुटपाथ पे बैठे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जब उनको देखते हैं, है ना, उनकी लाइफ में सर्वाइवल इम्पोर्टेंट होता है। मेरे पास बहुत पैसे आज, उसके बाद भी मैं डिप्रेस हूँ, तो सिर्फ मुझे उन लोगों को देखने की ज़रूरत है, और ऊपर वाले ने आपको दो हाथ पैर दिए हैं, सारी चीज़ें खुद से ख़त्म कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप ये गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं हमें, बल्कि ये मैसेज देना चाहिए कि हमारे पास हिम्मत है, ताकत है, सपोर्ट है, हमारे पास ऐसा सर्किल है, हाथ पैर हैं हमारे। तो ये जो खुद की क्रिएट की हुई बीमारियाँ सर, ये आपके आस पास ही नहीं आएंगी। ये बात आप जो कह रहे हैं सुनील शेट्टी साहब ने भी कही थी कि पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक के जो रेट्स बढ़ गए हैं, इसको लेकर भी उन्होंने, भाई हम जो फिल्में देखते थे अपने सिनेमा में जाके 5-2 रुपए की पकौड़ी मिलती थी इतनी सारी, है ना, मैं भी लेता था, है ना। सर, तो चाहते कोई टाइम आए फिर से। आपके हिसाब से क्या बॉलीवुड आज भी बॉक्स ऑफिस ड्रिवन है, या बॉक्स ऑफिस नंबर का इम्पैक्ट कितना ज्यादा होता है स्पेशली कंटेंट ड्रिवन मूवीज? ये अगर बॉक्स ऑफिस की आप बात करें, उसकी स्क्रीनिंग देखी कितनी थी, मुझे तो लगता है उसको रिलीज ही नहीं करनी चाहिए, तो उस फिल्म को 50-60 स्क्रीन पे आप रिलीज कर रहे हैं। और ये सवाल जो है बॉक्स ऑफिस वाले, अगर हम लोग अगर उन लोगों से पूछें जो रिलीज कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं एक्टर आदमी हूँ, मेरा काम है कि मैं अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस करके आऊँ, ये मेरा टास्क होता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस करने का एक वो होना चाहिए, मेरे अंदर माता होना चाहिए, ऑनेस्ट परफॉर्मेंस करने का माता होना चाहिए, बजाय इसके कि भाई वो फिल्म कितने थिएटर में रिलीज़ हुई, इसका बॉक्स ऑफिस के आधार पर अगर हम फिल्मों को जज करेंगे तो अच्छा सिनेमा तो बनना बंद हो जाएगा।